काफी टाइम बाद एक ऐसी मूवी देखी है जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक फेस पर स्माइल थी। आज की इस वीडियो में बात करूंगा वंडरफुल नाइटमेयर मूवी के बारे में, जो कि कोरियन मूवी है। पता नहीं आजकल मैं कोरियन मूवी या कोरियन ड्रामा सीरीज के पीछे हाथ धो के पड़ गया हूँ, ज्यादातर उन्हीं को ही देख रहा हूँ या फिर एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी देख रहा हूँ। वो अलग बात होती है कि कोरियन ज्यादा क्यूट होते हैं। खैर छोड़ो, स्टोरी पर फोकस करते हैं। 39 ईयर ओल्ड की लॉयर है जिसका नाम देखो यार मुझसे बोला नहीं जाएगा, ऐसे समझो एक लेडी है 39 ईयर ओल्ड की, बहुत ज्यादा एक खड़ूस औरत है और अपनी लाइफ में उसने एक ही एम बनाया हुआ होता है कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पाना। अब वो क्यों बनाया है इसके पीछे इन्होंने बकायदा रीजन दिया और बहुत ज्यादा ये सक्सेस हो जाती है और अच्छा खासा इसके पास पैसा है, BMW कार है, बहुत सारा कुछ इसके पास है। इतना कुछ अचीव करने के बाद एक दिन अचानक अपनी गाड़ी से जाते हुए इसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब ये डमरने के बाद ऊपर जाती है तो वहां पर इसको कहा जाता है कि भैया तुम्हारा एक्सीडेंट गलती से करवा दिया, ऐसा होना नहीं था, तुम्हारा टाइम अभी आया नहीं था, तुम्हें बाय मिस्टेक ऊपर बुला लिया। तो इसको एक रास्ता बताया जाता है कि तुम अगर वापस जाना चाहते हो, अपने शरीर में वापस जाना चाहती हो, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें किसी और औरत के शरीर में 1 महीना गुजारना पड़ेगा क्योंकि उस औरत को भी ऊपर वाले ने गलती से लुढ़का दिया था। ये ऊपर वाला भाई साहब ऐसे मजाक हमारे साथ ना कर दे, बट इन साहब एकदम प्रॉपर है भाई साहब। देखो इन्होंने इनको कहा कि 1 महीना जाकर आप उस औरत की बॉडी में 1 महीना जैसे तैसे एडजस्ट कर लीजिए, उसको 1 महीने पहले हमने बुला लिया था। तो ये लेडी मान जाती है क्योंकि यार जान तो चाहिए ना, वापस अपनी दुनिया में जाना है। तो 1 महीने के लिए ये उस लेडी के शरीर में जाने के लिए राजी होती है और जब वो जाती है उस लेडी के शरीर में इसकी आत्मा को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका एक हस्बैंड है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मिडिल क्लास से वो बिलोंग करती है, सोसाइटी में बहुत सम्मान से रहती है, हर किसी के साथ मिलजुल कर रहती है, खर्चा बहुत मिनिमम करती है, इवन जो मतलब बहुत संभल कर खर्चा करना पड़ता है क्योंकि कर्जे में दबे हुए तो नहीं, मतलब इन्होंने इनके ऊपर लोन चल रहा है। और वही सारी की सारी औरतें इसके अंदर दिखाई गई हैं कि कोई रोब जमाने वाली है, कोई चुगली करने वाली है, ये सब चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। शुरुआत में तो ये एडजस्ट कर नहीं पाती बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इसके सामने आती हैं कि इसको अपनी इस फैमिली से प्यार हो जाता है। वो क्या चीजें हैं वो तो आप जब मूवी देखोगे तब समझ जाओगे और मुझे लगता है कि इतना ब्रीफ इंट्रो काफी है ये बताने के लिए इसकी स्टोरी कैसी है, मतलब कैसी नहीं, अच्छी है बुरी वो तो हम उसके बारे में बात करेंगे, इसमें स्टोरी क्या होने वाली है शायद इतना काफी है। मुझे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद इसलिए आई क्योंकि इसके अंदर जो फैमिली वैल्यू इन्होंने दिखाई, जीवन जीने का जो तरीका इन्होंने बताया, पैसों के पीछे ना भागकर फैमिली को प्रायोरिटी देना, ये सारी चीजें इसमें बहुत प्यार से बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा गया। और इसके अंदर जो 2 बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस सच में, उनका जो रोल है उनकी परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मतलब आपका ध्यान आकर्षित वो अच्छे से करेंगे। जो इसके अंदर एक जो छोटी बच्ची जो इन्होंने दिखाई है वो इतनी समझदार दिखाई, मतलब देख कर ही एक बहुत अच्छा लग रहा था, इतना समझने वाले, अपने परिवार को समझने वाली, अपनी माँ को समझाती है, बहुत अच्छा था वो। और फिर इस लेडी के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको एहसास होता है कि जब ये मरी नहीं थी, मरने से पहले जब ये लॉयर थी तो इसने कुछ ऐसे काम किए थे जिससे कोई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और सेम टू सेम चीजें इसी के साथ वही हो रही है। आज वो उस कंडीशन पे है कि सामने वाला वही चीजें बोला जो इसने मरने से पहले किसी और लेडी को बहुत बोली थी। तो ये चीज इन्होंने दिखाई कि भैया जो तुम करोगे वो वापस तुम पर एक दिन जरूर आएगा, तो गलत का परिणाम गलत तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये लेडी बुरी होती है लेकिन इसके साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि मैंने कहा इसके बचपन में कुछ ऐसी चीजें हुई होती कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को पाना चाहती हैं। वो जब आप मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा। मन तो बार बार कर रहा है कि आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूं लेकिन फिर वही यार, एक तो गालियां दोगे फिर आपका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा, वो मैं चीजें नहीं चाहता। इस मूवी की स्टोरी तो है ही काफी अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से की गई है और ये सारी चीजें कॉमेडी के थ्रू हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई है, मतलब पूरी मूवी के दौरान आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी। काफी ज्यादा अच्छी जो परफॉर्मेंस मुझे लगी इसके अंदर और बच्चों की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और हंसाते हंसाते ये मूवी हमें इमोशनल भी कर देती है, लास्ट में चलते चलते इमोशनल हमें पक्का कर देती है, कुछ इस हद तक कर देती है कि बस आंखों में से आंसू निकलने वाले होते हैं। खैर मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया लेकिन आंखें नम जरूर हो जाती है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, बहुत अच्छी एक मूवी है। कोरियन मूवी बहुत अच्छी मुझे लगी यार, क्योंकि कोरियन मूवी जितनी मैं देख रहा हूँ कि लगभग अच्छी आती है। अभी थोड़े टाइम पहले जो मैंने इस मूवी का रिव्यू किया था एक कंपनी मैन, वो उसको थोड़ा बहुत अगर हम साइड में रखें तो वो भी एक एवरेज मूवी थी। और अब बात करें कि क्या हिंदी डब में मिलेगी, तो यार हिंदी डब तो भूल ही जाओ, इंग्लिश डब भी नहीं है, इंग्लिश सब टाइटल के साथ काम चलाना पड़ेगा, काम चलाना गया यार, काफ़ी अच्छी मूवी है और आप इसके साथ अच्छे से एडजस्ट कर लोगे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।